बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 का ये पार्ट थर्ड है, सामाजिक न्याय। इस पार्ट में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो मुक्त बाजार बनाम है, ठीक है, अर्थात इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, मुक्त बाजार बनाम इसे जो है वो आप खुली प्रतियोगिता, ठीक है, खुली प्रतियोगिता इसके अर्थ के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता के द्वारा योग्य व सक्षम शक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाने का व राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। अर्थात मुक्त बाजार बनाम का अर्थ ये है कि खुली प्रतियोगिता हो, ठीक है। अगर आप प्रतियोगिता करने के योग्य हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, और ये राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी हैं। ऐसे में बहुत सारी बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि कहने का ये है कि जो लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार लेगी, ठीक है। तो ये इन मुक्त बाजार बनाम के बारे में कुछ पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुक्त बाजार के पक्ष, ठीक है। मुक्त बाजार के पक्ष क्या क्या है, तो देखिए, जो मुक्त बाजार के पक्ष है अर्थात इसे जो अच्छा मानते हैं वो क्या कहते हैं। उनका कहना ये है, बाजार जो है वो किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग की परवाह नहीं करता है, फिर चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो। अर्थात मुक्त बाजार के जो पक्षक हैं वो ये कहते हैं कि बाजार जो है वो किसी भी व्यक्ति की जाति की, उसके धर्म की, उसके लिंग की परवाह नहीं करता है। आप चाहे किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी भी लिंग की हो, किसी भी भाषा के हो, इससे बाजार का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इससे बाजार का कोई मतलब नहीं है। बाजार जो है वो व्यक्ति की योग्यता व कौशल एवं एक चीज और है, संसाधन जुटाने की शक्ति, इन तीन चीजों को देखता है। बाजार किनको देखता है, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति का कौशल, और वो संसाधन क्या जुटा सकता है, इस ताकत को देखता है। तो बाजार जो है वो मुक्त बाजार के जो पक्षक है वो ये कहते हैं। आगे जो पक्षक है वो ये कहते हैं कि नागरिकों को अधिक विकल्प चुनने का मौका मिला है। मुक्त बाजार से पहले नागरिकों के पास कुछ सीमित ही विकल्प हुआ करते थे, लेकिन जब से मुक्त बाजार हुआ है तब से नागरिकों के पास बतेरे अर्थात बहुत सारे जो विकल्प हैं वो निकलकर सामने आए हैं। मुक्त बाजार की वजह से वस्तुओं की जो गुणवत्ता है अर्थात वस्तुओं की जो क्वालिटी है उसमें सुधार आया है, ठीक है, एवं कम कीमत में अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलना संभव हो पाया है। अर्थात मुक्त बाजार की वजह से क्या हुआ है कि लोगों को कम कीमत में, अर्थात मान लीजिए मुक्त बाजार से पहले जो 10 रुपए 10 रुपए की जो कीमत थी, जब से ही मुक्त बाजार शुरू हुआ है, ठीक है, तो कम कीमत में अर्थात जो चीज 10 रुपए की थी वो अब आपको 5 रुपए में और जो अच्छी गुणवत्ता है वो मिलेगी और ज्यादा भी मिलेगी, ठीक है। तो क्या फायदा हुआ, एक तो आपके 5 रुपए कम हो गए, ठीक है, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपको गुणवत्ता अच्छी मिल गई और आपको सामान भी ज्यादा, क्वांटिटी भी ज्यादा मिल गई। तो ये चीज, ये किसका उदाहरण है, ये है मुक्त बाजार के जो पक्षक है उनका कहना है। तो मुक्त बाजार के जो पक्ष है इसके बाद में, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे मुक्त बाजार के जो विपक्ष है, यानी कि ये तो सकारात्मक हो गए, अब नकारात्मक की बात बात कर लेते हैं विपक्ष के बारे में। तो विपक्ष के लोग जो है उनका ये कहना है कि मुक्त बाजार जो है वो कई लोगों को कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार से संबंधित है। अर्थात मुक्त बाजार जो है वो ये कहता है, मतलब इसके जो विपक्ष है वो ये कहते हैं कि भैया हमें कुछ प्रतिबंध चाहिए। अर्थात ये लोग कहते हैं कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते हैं। अर्थात इनका ये कहना है कि जो राज्य है वो उन लोगों को जो कि वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, और जो कुछ विशेष सहायता उन्हें मिलनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को विशेष सहायता प्रदान करे, एवं उन्हें अगर मान लीजिए वो प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते हैं तो कम से कम उन्हें इतनी सहायता तो दी जाए जिससे वो समाज में अपना जीवन तो जी सके। तो
ये मुक्त बाजार के जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है। आगे ये लोग कहते हैं कि मुक्त बाजार जो है वो ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होने से हो सकता है। अर्थात मुक्त बाजार जो है वो ताकतवर लोगों को, धनी लोगों को और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करता है। वहीं जो समाज के कुछ अन्य पिछड़े लोग हैं, जो सुविधा विहीन है, वो लोग इस प्रतिस्पर्धा की अवसर से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि ये जो लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सके। न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे। अर्थात ये जो विपक्ष है वो ये कहता है कि न्यूनतम बुनियादी जो इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य का बाजार में हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। राज्य जो है वो कुछ सेवाएं मुहैया कराए, जैसे कि निजी एजेंसी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। अर्थात जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इस मुक्त बाजार के पक्ष में हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि निजी एजेंसियां जो है राज्य के द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो उत्पादन अधिक करें एवं जो राज्य है वो नागरिकों को इस लायक बनाए कि जो ये एजेंसियां जो है जो उत्पादन करेंगी उसे खरीदने लायक बन सके। तो एक तरह से जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो निजी सेक्टर का क्या कहते हैं पक्ष लेते हैं और हम जो मुक्त बाजार है उसके विपक्ष में। तो मुक्त बाजार के पक्ष क्या है, मुक्त बाजार के विपक्ष क्या है, ये चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं कि भारत में जो सामाजिक न्याय है इसको स्थापित करने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला कदम उठाया गया मौलिक अधिकारों में प्रावधान। अर्थात भारतीय संविधान जो है वो आपको पता है कि भारतीय संविधान में लोगों को जो नागरिक है उन्हें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो वो दिए गए हैं जिससे व्यक्ति अपना जीवन बड़े ही आसान तरीके से और सम्मान पूर्वक जी सकता है। भारतीय संविधान में कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं जिसकी वजह से लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोगों को निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा इसका अधिकार दिया गया, अर्थात निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और प्राथमिक शिक्षा चाहे 8 हो, 10 हो या फिर 12वीं तक हो, ये आपको करनी अनिवार्य है जो कि फ्री रहेगी। वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक शिक्षा, अर्थात जो वंचित है अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं इन्हें आरक्षण दिया गया है एवं इन्हें कुछ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके तहत लोगों को राशन पानी वगैरह ये सब दिया जाता है, मकान वगैरह ये दिए जाते हैं और भी पंचवर्षीय जो योजना है उसके और भी कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि मुक्त बाजार होता क्या है, मुक्त बाजार के पक्ष क्या है और मुक्त बाजार के विपक्ष क्या है। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।